मुसलमानों के बड़े नेता मौलाना महमूद मदनी ने मोदी के टोपी नहीं पहनने वाले फैसले को बिल्कुल सही करार दिया है। मदनी ने कहा है कि सियासत में ईमानदारी होनी चाहिए, न कि टोपी पहनकर टोपी पहनाने की चाहत। क्या जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी खुलकर मोदी के समर्थन में आ गए हैं? ये सवाल मौलाना मदनी के उस बयान के बाद खड़ा हुआ है जिसमें मदनी ने मोदी के मुस्लिम टोपी न पहनने के फैसले को सही ठहराया है। मदनी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि मोदी इंसाफ करे, न कि टोपी पहनकर लोगों को टोपी पहनाए। कि टोपी पहनना जरूरी नहीं है, इंसाफ करना, इंसाफ की बात करना और अंदर और बाहर के फर्क को मिटाना। हमारे यहाँ हिंदी में एक कहावत है कि जब किसी को कोई बेवकूफ बनाता है तो कहते हैं मैंने उसको टोपी उड़ा दी है। तो टोपी पहने और दूसरों को टोपी उड़ाए, इससे बेहतर है कि टोपी पहने नहीं। इससे पहले मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो दूसरों की परंपरा का सम्मान करते हैं, टोपी की सियासत नहीं करते। मैं मेरी परंपराओं का पालन करता हूँ, मैं सबकी परंपरा का आदर करता हूँ। मुसलमान की टोपी के साथ कोई खिलवाड़ करता है उसको सजा होनी चाहिए। मुसलमान की टोपी की इज्जत हो इसकी चिंता सरकार ने जरूर करनी चाहिए। विरोधी मोदी पर यह आरोप लगाते हैं कि अगर मोदी पीएम बने तो देश बट जाएगा, मुसलमान परेशान होंगे। जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव मौलाना मदनी इस बात को खारिज करते हैं। मदनी ने कहा है कि मुसलमान अकेले नहीं है, किसी की सरकार आए देश नहीं बट सकता। मुसलमानों का जहां तक इशू है तो इस मुल्क में मुसलमान अकेले नहीं है, तो मुल्क का जो स्ट्रक्चर है कोई भी आए और कोई भी जाए वो नहीं बदल सकता, हमें ये इत्मीनान है। मदनी ने यह भी साफ किया है कि वो अयोध्या में राम मंदिर के विरोध में नहीं है, लेकिन मंदिर का निर्माण बातचीत से होना चाहिए। मंदिर जरूर बनना चाहिए लेकिन मस्जिद तोड़कर नहीं, बस। कि जो भी बात हो, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, वो बातचीत से हल होने चाहिए, ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और अगर किसी वजह से बातचीत से कोई इशू हल ना हो सके तो अंदर कंट्री में तो हमारे पास जुडिशियल सिस्टम मौजूद है, वहां से जो फैसला हो उसके ऊपर पीसफुली इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। मौलाना मदनी पहले ऐसे बड़े मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने मोदी के समर्थन में ऐसे खुलकर बयान दिया है। शैलेश कुमार, हापुड़, इंडिया न्यूज। हालांकि कोई इस बयान का मतलब कुछ भी निकाले, लेकिन मौलाना मदनी के इस बयान से बीजेपी गदगद है। लेकिन कांग्रेस और कुछ मुस्लिम धर्मगुरु मुस्लिम टोपी ना पहनने की मोदी की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। मौलाना साहब ने जो कहा है, उन्होंने एक तरह से वो उस मुस्लिम वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने जो भी कहा ठीक ही कहा है। टोपी ना पहनने के पीछे आपकी जो नियत है, आपकी जो इंटेंशन है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई एक मुसलमान टोपी देता है पहनने के लिए तो वो नहीं पहनते हैं, जब सिखों के जहां जाते हैं तो उनकी पगड़ी बांधते हैं, जब मुख्तलिफ रीजन्स में हिंदुस्तान के जाते हैं तो वहां का ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं, तो इस नुक्ते नजर से लोगों ने एतराज किया था।